सपोज करो इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डी में आपके पास ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। मेरा पहला क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, अगर एक बॉल इस ग्राउंड को वी वेलोसिटी से हिट करती है तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है जब रेस्टिट्यूशन ई है? आपने आंसर क्या दिया था? ई इंटू वी। लास्ट टाइम किया था हमने कि कोलिजन होने के बाद जब हम रेस्टिट्यूशन का टॉपिक कर रहे थे कि अगर वेलोसिटी वी है आने से पहले, टक्कर होने के बाद वेलोसिटी कितने टाइम हो जाती है? ई इंटू वी हो जाती है। कोई डाउट इसमें? रिजल्ट याद है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट। अब सपोज करो इसकी वेलोसिटी ई इंटू वी हो गई, समझ में आ रहा है मुझे। मान लो एक मिनट के लिए कि ये ग्राउंड है और एक बॉल को आपने एच हाइट से ड्रॉप किया, इस बॉल को आपने एच हाइट से यहां से ड्रॉप किया, तो कोई मुझे बताएगा ये कितनी वेलोसिटी से इसे हिट करेगा? ये वी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2gh, सोच रहे हो? अच्छा, अंडर रूट ऑफ 2gh। दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसमें इक्वेशन अप्लाई करो, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into g into, तो v की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 2gh। कोई डाउट इसमें? ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, एक और तरीका है। क्या तरीका? एनर्जी कंजर्वेशन। बिल्कुल सही कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने h हाइट से इस बॉल को घेरा, क्योंकि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। पोटेंशियल बोलो यहाँ कितनी है? mg। ड्रॉप किया तो काइनेटिक, पोटेंशियल यहाँ पर, काइनेटिक यहाँ पर, तो इक्वेट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? mgh। तो m से m कैंसल, v कितना आ गया? रूट 2g। आप जैसे मर्जी निकाल लो, आपकी मर्जी है, ठीक, जो आपकी इच्छा है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो मैं मानता हूं कि आप वी तो निकाल ही लोगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज ये ग्राउंड है और इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक में एनर्जी लॉस है और रेस्टिट्यूशन आपको ई गिवन है। मैंने एच हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, तो ये बताओ कि जब ये इसको कोलाइड करके ऊपर जाएगी तो इसकी नेक्स्ट हाइट क्या होगी? ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी? कम से कम एच आंसर तो नहीं है, एच आंसर तो नहीं, हाइट निकालनी है, हाइट, वेलोसिटी नहीं, तो एच से तो कमी होगी, एच डैश निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक? आपको एक रिजल्ट आता है कि अगर इसको रेस्ट से हमने ड्रॉप किया तो ये कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी ग्राउंड को? अंडर रूट ऑफ 2gh। और वापसी में ग्राउंड को हिट करते ही ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी? ई टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gh। कोई डाउट इसमें? ये समझ में आ गया? तो ग्राउंड को टच करते ही कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी? ई टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gh। और यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो, राइट। आपको क्या निकालना है? आपको एच डैश निकालना है। तो रूल वही लगाते हैं, लोएस्ट पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। पोटेंशियल बोलो एम जी इंटू एच डैश, एच डैश। काइनेटिक टॉप पे क्या? पोटेंशियल यहां पर, और काइनेटिक हाफ इंटू एम इंटू ई इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh का होल स्क्वायर। सही है? तो इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, एम जी इंटू एच डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू, ये ई स्क्वायर हो गया और ये 2gh हो गया। तो 2 से 2, g से g, m से m कैंसल, h डैश क्या आ गया? ई स्क्वायर h। तो आंसर क्या आ गया? हाइट क्या आ गई? ई स्क्वायर इंटू एच आ गई। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो ये थ्योरीज जो है हम पेपर में थोड़ा बनाएंगे, आपको सीधा रिजल्ट आएगा क्या? कि अगर कोई भी बॉल वी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करती है तो कितनी वेलोसिटी से वापस जाएगी? ई इंटू वी। अगर कोई बॉल एच हाइट से गिरी जाती है तो कितनी हाइट पर वापस जाती है? ई स्क्वायर एच। तो रिजल्ट याद रहेगा, ठीक। तो अगर पहले हाइट एच है तो एक टक्कर के बाद हाइट क्या हो जाएगी? ई स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, इस रिजल्ट को और एक्सपेंड करते हैं, अगली टक्कर में हाइट क्या हो जाएगी?
फिर से ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ई की पावर 4 × h। तो पहली हाइट अगर, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने वाले हैं हम क्या रिजल्ट बनाएंगे, हम रिजल्ट ये बनाएंगे, ये देखो 1, 2, 3 करते 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 n, कैसे, अगर h हाइट से बॉल गिरी और रेस्टिट्यूशन है, अगली हाइट क्या है, e स्क्वायर h, अगली हाइट फिर e स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो e की पावर 4h, फिर मल्टीप्लाई करो e की पावर 6h, करते 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 e की पावर 2n इंटू h। तो पॉइंट्स, ये n का मतलब nth रिमाउंड, n बार टक्कर मारने के बाद, तो अगर n का मतलब फर्स्ट टक्कर है n की वैल्यू 1 तो आंसर आएगा e स्क्वायर इंटू h, दूसरी टक्कर है n की वैल्यू 2 e की पावर 4 × h। तो फॉर्मूला नोट कर लो, आपको थ्योरी की जरूरत नहीं है इसमें, बस बॉक्स में फॉर्मूला नोट कर लो कि वेलोसिटी की वैल्यू, हाँ वेलोसिटी का भी जरा फैसला कर लें, एक मिनट वेलोसिटी का भी कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी का क्या करेंगे, इधर देखो, ये देखो, तो ये देखो, ऐसा करें तो अगर मान लो वी वेलोसिटी से बॉल आती है तो कितनी वेलोसिटी से जाती है, ईवी। अब बॉल ईवी से गई ऊपर के ऊपर ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, फिर नीचे हिट करेगी ग्राउंड को, अब ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, ईवी, हवा में एनर्जी लॉस तो होता नहीं, तो फिर से ईवी से हिट करेगी अगली बार, लेकिन ग्राउंड को टच करके वापस जाएगी, तो वेलोसिटी फिर ई टाइम्स हो जाएगी ई स्क्वायर वी। तो पहली टक्कर में वेलोसिटी ईवी, दूसरी टक्कर में वेलोसिटी ई स्क्वायर वी, तीसरी टक्कर में वेलोसिटी ई क्यू वी, और nth टक्कर में ई की पावर एन वी। तो ये लो, ये लिख लो फॉर्मूला भी, तो एक वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, एक हाइट का फॉर्मूला आ गया, समझ में आ रहा है यहां तक, e की वैल्यू 1 से बड़ी, सुपर इलास्टिक हो जाएगी ना, हम पढ़ते नहीं। क्लियर है यहां तक, अगला रिजल्ट देखते हैं। अगला रिजल्ट है, सपोज करो आपने एच हाइट से एक बॉल को घेरा, अगली हाइट क्या है, ई स्क्वायर एच, ठीक है, मान लो बॉल यहां से चली, उसने कितना समय लिया नीचे आने में, टी, फिर उसके बाद बॉल ने टक्कर मारी, बॉल ऊपर गई, फिर बॉल नीचे आएगी, तो अगला डिस्टेंस कितना है, अगला टाइम कितना है, टी डैश, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा टी, और ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा टी डैश, तो टी डैश निकालो इन टर्म्स ऑफ टी। ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों केस में बॉडी टॉप से चली, तो ये डिस्टेंस टी में, ये डिस्टेंस टी डैश में, तो इसके लिए इक्वेशन एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, सही है, तो एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, ओके okay, इसमें देखें नेक्स्ट के लिए हाइट क्या है, ई स्क्वायर एच इज 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी डैश का स्क्वायर, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, एक काम करें इन दोनों को डिवाइड कर दें, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करें, आंसर आएगा ई स्क्वायर एच अपॉन एच इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी डैश का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, कैंसल कैंसल कैंसल, तो टी डैश क्या आएगा, चेक करो ई टाइम्स टी,
ये आएगा अंडर रूट लेके तो सीधा रिजल्ट आ गया ना, जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो अगर पहला टाइम कितना है टी, तो दूसरा कोलिजन, दूसरी हाइट कवर करने का टाइम क्या हो गया ई इंटू टी, तीसरे का क्या होगा फिर से ई से मल्टीप्लाई कर दो ई स्क्वायर टी, नेक्स्ट का ई क्यूब टी, नेक्स्ट का ई की पावर 4t, और nth का रिजल्ट याद करो ई की पावर n इंटू टी। ये लो, तो हाइट का रिजल्ट आ गया, टाइम का आ गया, वेलोसिटी का आ गया, बस डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है, सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक, तो ठीक है, तो ये रिजल्ट्स मैंने बता दिए कैसे करने हैं, इसको जरूरत ही नहीं है, बट डन। ये तो मोशन से किए हैं, मुश्किल तरीके से किए हैं, जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को करो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नीट और उसके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर मिलेगा। अ बॉल फॉल वर्टिकली ऑन ग्राउंड, एक बॉल नीचे गिर रही है वर्टिकली विद मोमेंटम पी, तो मोमेंटम क्या है इसका पी, एंड बाउंसेज बैक रिपीटेडली, एक दो तीन चार करती 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 रिपीटेडली, कब तक पता नहीं कब तक, ये तो इनफाइनाइट हो गया, कितने बहुत बार ऐसा हिट करेगी ग्राउंड को, इनफाइनाइट टाइम। ई गिवन है, ई का मतलब है ये इलास्टिक कोलिजन ही है, ये इन इलास्टिक कोलिजन है, तभी ई गिवन है। क्या निकालना है, फाइन टोटल चेंज इन मोमेंटम लिखो, करेक्शन करो यहां पर, फाइन टोटल चेंज इन मोमेंटम इंपार्टेड बाय बॉल टू द फ्लोर। ठीक है यहां तक, तो करने स्टार्ट, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, मुझे एक चीज का आंसर दो, अगर ये वॉल है, हमने किया भी था, एक बॉल वी वेलोसिटी से आती है, इसका मोमेंटम एम वी, और मान लो एम वी से ही वापस चली जाती है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, एम वी माइनस माइनस एम वी, मैंने क्या सिखाया था, क्या बोलना है, 2mv, याद करो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है रीमाउंट की वजह से, तो साइन नेगेटिव आता है, हमने किया था ऐसा, तो क्लियर है यहां तक, तो जीरो नहीं बोलना। सेम सिचुएशन है, एक बॉल आ रही है विद पी मोमेंटम, टक्कर मारते ही इसकी वेलोसिटी ई टाइम हो जाएगी, तो मोमेंटम भी ई टाइम हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, तो पी से आया ई पी से चला गया, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा एक टक्कर में, तो एक काम करते हैं, ऊपर जे कैप होता है और नीचे माइनस जे कैप होता है ना, वाई एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, तो फाइनल मोमेंटम कितना है इसमें, फाइनल मोमेंटम वेक्टर है ईपी के पीछे क्या लगेगा जे कैप, और इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्या लगेगा, इनिशियल मोमेंटम इस पी के पीछे क्या लगेगा माइनस जे कैप, ऐसे होगा, तो ऊपर जे कैप नीचे माइनस जे कैप, तो इसमें डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी वेक्टर, फाइनल मोमेंटम फाइनल कितना है ईपी इंटू जे कैप माइनस पी इंटू माइनस जे कैप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ईपी इंटू जे कैप प्लस पी इंटू जे। मैं आपको वेक्टर से समझा रहा हूं कि ये प्लस साइन क्यों आया, पर आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप इतना मुश्किल क्यों करोगे, आप सिंपली वैसे ही याद रखो, ये फाइनल मोमेंटम ये इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना, फाइनल माइनस इनिशियल में ईपी माइनस माइनस पी, तो सीधा आंसर आ गया चेंज इन मोमेंटम, जे कैप लेने की जरूरत ही नहीं है, तो स्टेप समझ में आ रहा है, सीधा लिख देंगे तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल के आगे नेगेटिव, ये पहली टक्कर का चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बना गया। फिर अगली बार क्या होगा, ई पी से बॉल फिट टकराएगी, अगली बार वेलोसिटी ई स्क्वायर हो जाएगी और मोमेंटम कितना हो जाएगा ई स्क्वायर पी, तो पहला मोमेंटम पी, दूसरा ई पी,
तीसरा ई स्क्वायर पी, चौथा ई क्यू पी, हर बार ई से मल्टीप्लाई। तो पहला मोमेंटम पी और ई पी, दूसरा ई पी और ई स्क्वायर पी, तो डेल्टा पी टू वेक्टर क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म आ गई। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो एक टक्कर में डेल्टा पी वन वेक्टर या डेल्टा पी वन आ गया, दूसरे में डेल्टा पी टू आ गया, और ऐसा चलता जाएगा। कैसे चलेगा ये ना, पेज उल्टा लग गया, इस पेज के बाद अगले के बाद अगला पेज है, ये पेज है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी वन, डेल्टा पी टू, डेल्टा पी थ्री, अब तू कहां तक, जब तक वो रुक नहीं जाती, कब रुकेगी, इन्फिनिटी। क्लियर है यहां तक? तो पहले पहला चेंज इन मोमेंटम कितना आया था, पी इंटू वन प्लस सी, दूसरा कितना आया था, पी इंटू वन प्लस ई के आगे क्या आ गया, ई, तीसरे में क्या आएगा, एक और ई से मल्टीप्लाई ई स्क्वायर, चौथे में क्या आएगा, ई क्यूब। समझ में आ रहा है? स्टेप मॉडिफाई कर लिया, तो पहला चेंज इन मोमेंटम, दूसरा जो निकाला था वो ई से ज्यादा आया था, तीसरा फिर ई से ज्यादा आएगा, एंड सो ऑन। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ऐसे चलता जाएगा, हर बार ई ई से मल्टीप्लाई। अब मुझे इसका सम निकालना है, इसका सम निकालने के लिए इसमें से कॉमन निकालो, पी इंटू वन प्लस ई क्या आ गया, इन सब में से कॉमन, तो क्या बचा, इसकी जगह वन, इसकी जगह ई, ई स्क्वायर, अप टू कहां तक, इन्फिनिटी। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? डेल्टा पी, डेल्टा पी क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये स्टेप क्लियर है? नहीं, पहला चेंज इन मोमेंटम क्लियर है, पी इंटू वन प्लस ई, ये रहा। दूसरा क्या है, ई टाइम हो गया, ठीक, तो पहला चेंज इन मोमेंटम ये रहा, दूसरा ई टाइम हो गया, तीसरा ई, फिर ई से मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन। तो कॉमन आ गया पी इंटू वन प्लस ई, इसकी जगह वन, इसकी जगह ई, इसकी जगह ई स्क्वायर, एंड सो ऑन। अब मेडिकल के लोग समझ लें, या जिन्होंने ये ना सुन रखा हो, क्या ये एक सीरीज है इन्फिनिटी तक की, और ये सीरीज में क्या खास बात है, किसी भी सेकेंड नंबर को उसके पहले नंबर से डिवाइड करो, रेशियो सेम आ रही है, रेशियो कॉमन आ रही है, और वो कॉमन रेशियो कितनी है, ई। चेक कर लो, ई को वन से डिवाइड तो ई, ई स्क्वायर को ई से डिवाइड ई, तो ई क्यूब को ई स्क्वायर से डिवाइड ई। तो ये स्टेप क्लियर है? तो कॉमन रेशियो की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो मैथ्स में सिखाया जाता है कि अगर ऐसी टर्म इन्फिनिटी तक है, ताकि सेकेंड टर्म को उसे पहली टर्म से डिवाइड करें, इस टर्म को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि जीपी। तो जिन्होंने नहीं किया हुआ सुन लें, इस पूरी टर्म को अगर आप ऐड करके आंसर देना चाहते हैं, तो इसका सम निकालने का एक तरीका है, फॉर्मूला है ए बाय वन माइनस आर, वेयर आर इज नोन एज कॉमन रेशियो, ये रेशियो है, और ए का मतलब है सीरीज की फर्स्ट टर्म। अब जैसे ही इसको ऐड करना है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, वन, तो ए की वैल्यू क्या है यहां पर, वन, तो आंसर क्या आएगा सम का, ए की जगह वन और आर की जगह ई, ये सम आ गया। तो जिन्होंने जीपी नहीं की, ये तरीका है इनफाइनाइट जीपी सॉल्व करने का, तो आपने ये जीपी आइडेंटिफाई कर ली, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, तो पहली टर्म की जगह वन और आर रेशियो है ई, तो सम आ गया। तो इस पूरी सीरीज का सम क्या है, वन अपॉन वन माइनस ई, राइट। तो ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ ही हुआ है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, इसको इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये आ गया, और ये एज इट इज है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर, ये आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, ठीक। मैथ्स वालों को तो जीपी मैथ्स के टीचर भी करवाएंगे, मेडिकल वालों को ये हो गया, इतना ही चाहिए होता है बस, वो भी कभी कभी चाहिए, बहुत ही कोई ज़्यादा यूज होने वाले क्वेश्चन नहीं है, दो चार बार यूज होंगे वो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, एक मास है m और क्वेश्चन में गिवन है उसकी वेलोसिटी है u1, दूसरा मास है m, अरे मास सेम है, लाइंग एट रेस्ट, आपको बताना है कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या होंगी, रेस्टिट्यूशन e है, कितने लोगों को ये लग रहा है कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी क्योंकि मास सेम है, नहीं लग रहा, लगना चाहिए आपको, अच्छा नहीं, अभी कच्चे हो ना, कईयों को लगता है मास सेम है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज कर दो, वैसे ये रूल सही है, पर कब सही है, जब कोलिजन किस टाइप की है, इलास्टिक, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं है। ये कौन सी कोलिजन है, इन इलास्टिक, कहां लिखा है इन इलास्टिक, ई गिवन है,
ई वन नहीं गिवन, और अगर ई वन नहीं गिवन तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है, और इन इलास्टिक कोलिजन में आप वेलोसिटी एक्सचेंज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक हो यहाँ तक। और क्वेश्चन वही है, फाइंड वी वन वी टू। तो मैंने क्या सिखाया था, इन इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और वो क्या, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा रेस्टिट्यूशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन बोलो एम यू वन प्लस, रेस्ट पे है तो जीरो, आफ्टर कोलिजन एम वी वन प्लस एम वी टू, मास सबका सेम है, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी वी वन वी टू है, मास से मास कैंसल, तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है यहां तक, इक्वेशन नंबर वन क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है इसमें। दूसरा रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, राइट, क्लियर है। तो सेकेंड बॉल किस पे है, रेस्ट पे, तो यू टू क्या है, जीरो। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके v2 माइनस v1 की वैल्यू आ जाएगी e into u1, क्लियर है। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन में v1 प्लस v2 गिवन है, सेकंड इक्वेशन में v2 माइनस v1 गिवन है, इन दोनों को एक के नीचे एक लिखें और इन्हें ऐड करें, v1 से v1 कैंसिल, तो सॉल्व करके क्या आ गया, v2, और v2 आ गया पुट करके क्या आ जाएगा, v1, और अगर रेशियो निकालनी है v2 v1 के, डिवाइड करके रेशियो भी आ जाएगी। ये भी आपकी शीट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो उस टाइम देखना कैसे सॉल्व करना है, पर समझ में आ रहा है इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या करना है, पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी इक्वेशन रेस्टिट्यूशन, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव है।